नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आई वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर पीएम मोदी के दौरे से पहले ललियाना गांव में संदिग्ध धमाका हुआ है। जी, धमाका हुआ, इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो हाथ हो सकता है, क्या ये कोई आतंकी घटना थी या फिर कोई ऐसे ही किसी वजह से ये धमाका हुआ है, तो ये संदिग्ध है। लेकिन धमाका हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने जा रहा है। देखिए, जिस जगह पे ये धमाका हुआ है, अब इसको लेकर के धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, संदिग्ध इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो आप इलाके देख रहे हैं जम्मू के आसपास, यहाँ पर कुछ पिछले दिनों में एक्टिविटीज हुई हैं जिसमें आतंकवादी मारे भी गए हैं, और इस वजह से लगता है कि क्या कोई साजिश थी जिसके तहत ये धमाका हुआ है। बिल्कुल अमित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे, उस जगह से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर ये वो गांव जहां पर धमाका हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है, पूरे इलाके में सर्चिंग कर दी गई है, और लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि आतंकवादी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि उनकी हर नापाक साजिश को अंडर कंट्रोल किया गया है, उनकी हर नापाक साजिश को किस तरीके से उस पर हम देख रहे हैं एक्शन लिया गया है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप, लेकिन आपको बता दें, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ये सांबा का इलाका है। सांबा, आप समझिए कि सांबा पठानकोट और जम्मू के बीच में पड़ता है इलाका, और इस इलाका, ये इलाका भी बहुत सेंसिटिव है, हालांकि क्योंकि बॉर्डर के बहुत करीब है। यहाँ से अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर की, तो करीब करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर पड़ता है सांबा से। मेन हाईवे जो जोड़ता है जम्मू को दिल्ली के साथ, अमृतसर या पूरे देश के साथ, वो भी सांबा से होकर गुजरता है। आप जैसे पठानकोट क्रॉस करते हैं, हीरानगर आता है, उसके बाद सांबा पड़ता है। इस इलाके में कई बार आपने देखा है कि आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जम्मू जो कि यहां से सांबा से करीब करीब एक घंटे का रास्ता पड़ता है, वहां पर भी पिछले दिनों हमने देखा है कि दो दिन पहले वहां पर आतंकवादी घटना हुई थी, दो फिदायन को मार गिराया गया था, सुइसाइड, बिल्कुल सुंजवान में। और तो ऐसे में अगर सांबा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि पास में एक गाँव पड़ता है जहां पर होना है, यानी कि पहली गांव जो है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे सांबा में, उसी इलाके में अगर इसी तरह से एक धमाका होता है, तो अपने आप में बताता है कितना बड़ा कंसर्न है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।